हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुंज ऑफिशियल। कैसे हो आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो वीडियो है वो है चौरचंद गणेश चौथ। जी हाँ, चौरचंद के बारे में आप लोगों को बताने वाली हूँ। चतुर्थी तिथि को गणेश चौथ मनाया जाता है और उसी दिन चौरचंद भी मनाया जाता है। और ये पर्व बिहार में मिथिला में मनाया जाता है। और कहते हैं कि जो व्यक्ति गणेश चतुर्थी की शाम को चंद्रमा की पूजा करता है वो चंद्रदोष से मुक्त हो जाता है। चौरचंद पर्व के बारे में पुराणों में ऐसा वर्णन मिलता है कि इसी दिन चंद्रमा को कलंक लगा था, इसीलिए इस दिन चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। चौरचंद का महत्व। मिथिला में प्रकृति से जुड़े त्योहारों का महत्व हमेशा से अधिक रहा है। जहां एक ओर मिथिलावासी सूर्यदेव की उपासना कर छठ पर्व को मनाते हैं, वहीं दूसरी ओर चंद्रदेव की उपासना कर चौरचंद पर्व को मनाते हैं। इस दिन चंद्रदेव की उपासना कर लोग झूठे कलंक से मुक्ति पा लेते हैं। गाय के गोबर से आंगन को नीपा जाता है और उसके बाद शाम को रंगोली बनाई जाती है, अर्पण भी बोलते हैं। दही का इस दिन बहुत ज़्यादा ही महत्व होता है, तरह तरह के पकवान बनते हैं। और उसके बाद डाली लगाई जाती है, जितनी भी डाली होती है, जितने घर के मेम्बर होंगे उतनी डाली होगी। और बीच में मरर बनाया जाता है केले के पत्ते पे। जी हाँ, खीर रखा जाता है, उसके बाद दाल भरा पूरी से ढक दिया जाता है। और उसके बाद जब चंद्रदेव को अर्घ दे दिया जाता है, सारे घर के मेंबर एक फल लेके चंद्रदेव को देखते हैं, प्रणाम करते हैं। और उसके बाद घर के सबसे बड़े मेंबर जो होते हैं उस मरर को तोड़ते हैं। और उस मरर को तोड़ने के बाद, जी हाँ, जेंट्स ही तोड़ते हैं, उसके बाद उस मरर पे जितने भी घर के मेल मेंबर होंगे, जी हाँ जेंट्स होते हैं, वही खाते हैं। और ये चीज़ बहुत ही अच्छा लगता है। कम से कम साल में एक बार ऐसा दृश्य देखने को मिलता था आंगन में। मैं भी मिथिला से हूँ, मुझे भी ये पर्व बहुत ही अच्छा लगता है। और ये जो पर्व है वो 31 अगस्त को है। जी हाँ, 2022 में 31 अगस्त को पड़ने वाला है।